हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हरियाणा में बहुत जल्द HTET के फार्म शुरू होने वाले हैं और आपको अगर अध्यापक बनना है, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको HTET पास करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हरियाणा में HTET होता है वैसे दिल्ली और सेंटर के जो राज्य हैं उनमें CTET होता है। तो हरियाणा में नौकरी लगने के लिए HTET बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर JBT कर रखी है, आपने अगर BEd कर रखी है या आप PGT टीचर बनना चाहते हैं तो आपको HTET पास करना ही होगा। तो भाई, कब से फार्म निकल रहे हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, HTET आवेदन 4 से 10 दिसंबर में परीक्षा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET की अधिसूचना यानी एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है और पंजीकरण प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं दिसंबर में परीक्षा आयोजन किया जाएगा। यानी मोटे शब्दों में कहा गया कि 4 नवंबर से HTET के फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। भाई, 150 अंकों के जो है ना इस बार भी सवाल पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं होती थी, अब भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होंगी। BSEH.org.in यानी हरियाणा बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हो। और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 HTET लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को किया जाएगा। 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी जो लेक्चरर का है PGT टीचर का है उसके एग्ज़ाम होगा 7 तारीख को 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। और 8 तारीख को BEd वालों की परीक्षा 10:00 बजे से 12:30 बजे तक, यानी TGT टीचर के लिए और लेवल 1 की यानी जिन्होंने JBT कर रखी है उनके लिए HTET का एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। HTET में भाई कुल 150 अंकों के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए 1 प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर होंगे। इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी, यानी जो बच्चे पास होंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये भाई देखो, बेरोजगार छात्रों के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार बहुत बड़ा भद्दा मजाक कर रही है। यानी सरकार अब छात्रों के पैसे से ही चलेगी क्या? ये देखो, 2400 रुपये, जी हाँ सही सुना आपने, 2400 रुपये तक फीस लगेगी। मान लो अगर किसी ने JBT भी कर रखी है, BEd भी कर रखी है और वो PGT टीचर के लिए भी HTET करना चाहता है और तीनों एग्जाम उसको देने हैं तो उसकी 2400 रुपये फीस लगेगी। अभ्यर्थी को 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 2400 रुपये तक शुल्क जमा कराना होगा। लेवल 1 की अगर कोई परीक्षा देता है, यानी जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसकी 1000 रुपये लगेगी। अगर कोई JBT के लिए यानी TGT और PRT दोनों के लिए HTET का फार्म भरना चाहता है तो उसके लिए 1800 रुपये की फीस होगी। यानी ऑफर भी दे दिया भाई, छूट दे दी हरियाणा सरकार ने, वैसे तो ख्याल भी रखते हैं भाई, जैसे 1 की 1000 तो 2 की 2000 होनी चाहिए ना, तो 200 रुपये की छूट है भाई। 1 भरो तो 1000 रुपये, 2 भरो तो 1800 रुपये, 3 भरो तो 2400 रुपये। मतलब देखो कितना ख्याल है भाई बच्चों का, ऑफर छूट दे दी भाई दिवाली के त्यौहार के मौके पर, भारी छूट HTET की फीस में, भारी छूट। 1 लोगे तो 1000, 2 फार्म भरोगे तो 1800 और तीनों उसका फार्म भरना है तो 2400 रुपये। लेवल 1 में भाई डिप्लोमा इन एजुकेशन DEd या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED ये आते हैं भाई। सेकंड में भाई जो है ना ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस BLED, BA, BCOM, मतलब जो JBT टीचर लगना है, मोटे शब्दों में बात यह है, वो लेवल 1 में आता है। लेवल 2 में जो भाई TGT टीचर लगना है वो भी आते हैं भाई। लेवल 3 में भाई ये सारे वे सभी आते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री करी है और साथ में BEd कर रखी है। तो भैया देखा आपने, भारी छूट के साथ फार्म निकाल दिए हैं हरियाणा सरकार ने। 4
तारीख से फॉर्म भरने शुरू होंगे और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। उम्मीद है भाई वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, जरूरी जानकारी आपको मिली हुई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको राम राम।